तो दोस्तों, क्या आप अगर एक प्रधानमंत्री बन जाते हो तो क्या रिएक्शन रहेगा आपके पड़ोस वालों का, और साथ में आपके फ्रेंड लोग का क्या रिएक्शन होगा? आज के इस वीडियो में हम सफ़र करेंगे इसी बातों पे। तो इस व्यूअर, आप इस वीडियो पे क्लिक नहीं किए हो, यानी जब तक ये वीडियो चल रहा है आप एक प्रधानमंत्री के रूप में इस वीडियो को देखोगे। तो चलिए मान लेते हैं अब आप प्रधानमंत्री बन चुके हो, तो क्या आपका जीवन उसी प्रकार से चलता रहेगा जैसे पहले चलता था? क्या आपको कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या फिर आपका जीवन किसी राजा महाराजा की तरह होगा? खैर, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो आइए चलते हैं हम उस सफर की ओर जहां आप प्रधानमंत्री हो गए। हाय दोस्तों, मैं हूं रमीज और आप देख रहे हो थाई रोस्ट। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो आपको सबसे पहले शपथ लेना होगा। आपको अचानक प्रधानमंत्री बनते देख आपके आसपास आपके रिश्तेदारों का बहुत सारे कॉल आएंगे। हालांकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके कॉल को रिसीव करोगे या नहीं, आप उनसे बात करोगे या नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन आपके ऊपर आपको रिश्तेदारों को तो जरूर गर्व होगा कि चलो हमारे रिश्तेदार में कोई एक पर्सन प्रधानमंत्री बन गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके पड़ोसियों को भी कितने का गर्व होगा और कितनों को जलन होगी। जो आपके साथ थोड़ा गलत व्यवहार किए होंगे वो आपके प्रति सोचेंगे कि अब वो मतलब आप तो प्रधानमंत्री बन गए हो तो आप उनके बारे में क्या सोचोगे, आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे। हालांकि वो अलग बात है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओगे तो आपके पूरे देश की कई सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। साथ में आपको कई सारे मतलब ताने भी सुनने होंगे, मतलब कितने पड़ोसी तो कहेंगे आप प्रधानमंत्री बन गए, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया। कई सारे फ्रेंड भी ये बात आपको कहने को बोलेंगे कि आप प्रधानमंत्री बन गए, आपके अंदर तो एटीट्यूड आ गया। आपके रिश्तेदारों से भी आपको ये बात सुनने को मिल जाएगी, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझेंगे। आप एक पूरे भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हो, आपके ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आ गई है देश को लेकर। ये तो थी रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बात, अब हम आते हैं आपके ऊपर। तो गाइस, मतलब आपके अंदर भी एक अलग ही खुशी देखने को मिलेगी। आप रात को अच्छा से नींद सो भी नहीं पाओगे, मतलब आपकी इतना अंदर खुशी जाहिर होगी कि आप एक देश की प्रधानमंत्री बन गए हो, आपके अंदर बहुत सारे पावर आ गए हैं। लेकिन आप उस पावर को थोड़ा अच्छा से यूज़ कीजिएगा, यानी कि थोड़ा मिसयूज नहीं करना है पावर को। और आप अचानक से सोच में पड़ जाओगे कि जो व्यक्ति कुछ दिन पहले साइकिल से चलता था उसके पास एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी हो जाएगी, जो व्यक्ति एक कच्चे मकान में रहता था उसके पास एक आलीशान महल जैसा मकान हो जाएगा। और जो रिश्तेदार आपको तुम करके बुला रहे थे वो आपसे आपको आप करके बुलाएंगे। आपकी रातों रात दुनिया भर में फैन फॉलोइंग बढ़ जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ, भारत का हर बच्चा बच्चा आपका नाम जान जाएगा। तो गाइस, आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हम भी बहुत सारे ख्वाब रखते हैं अपने इस चैनल के प्रति। आपको ऐसे वीडियो और देखने को मिलती रहेगी। अब चलिए पढ़ते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव की ओर। तो गाइस, अब हम दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो गाइज, अब तो हमारी आर्थिक स्थिति सुरक्षित हो गई, मतलब सही हो गई है, क्योंकि अब हम प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब हमारी बारी है कि अब हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को सही करें। तो गाइज, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। गाइज, अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट टू लेके आऊँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको इस पर पार्ट टू चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको इस पर बहुत जल्द पार्ट टू भी लेके आऊँगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नए एक और वीडियो में। अब ख्याल से हट जाओ भाई, मतलब प्रधानमंत्री के ख्याल से हट जाओ, अपना और बुलाते हैं अपन काम करते हैं, हम कौन सा प्रधानमंत्री बनने वाले। ये जस्ट एक एक्सप्लेन वीडियो था, तो इसको कोई अगर आप अपने दिल से मत लीजिएगा। ये आम व्यक्ति हर कोई सोचता है कि काश वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो एक्सप्लेन बनाया हूँ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको बताऊँगा इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है बनाने में। तो चलिए मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।